कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जय मसीह की। दोस्तों, मैं भी आपकी बड़ी डिमांड के बाद एक वीडियो लेकर के आया हूँ इसी बाबा का, जिसका नाम है अनिरुद्ध आचार्य। आपको याद होगा काफी दिनों से इस बाबा की एक वीडियो बड़ी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की जो कि चर्च में जाती है, उसको उसकी मौसी इस बाबा के दरबार में लेकर के आती है और इस बाबा को बोलती है कि आप इसको समझाएं कि ये चर्च में ना जाए, ये देवी देवताओं में नहीं मानती है बल्कि चर्च में जाती है और बाइबल पढ़ती है, तो आप इसको समझाएं। मैंने आपको एक पार्ट इसका पहले दिखाया है, आप जा करके उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और जो डिमांड मैंने आपको बताया था कि बड़ी डिमांड हमारे सामने रखी जा रही थी कि इस बहन की एक वीडियो दिखाएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैंने आपको पहला पार्ट दिखाया था उसमें जब ये बाबा इस लड़की से पूछता है कि तुम चर्च में जाकर क्या सीखते हो, कौन सा वचन सीखते हो, तो ये लड़की कुछ नहीं बोलती है। तो मैंने आपको वही वीडियो दिखाया था और उसमें बोला था कि इस लड़की को बोलना चाहिए। तो मुझे उसी वीडियो के कमेंट में देखने के लिए मिला कि इस लड़की ने भजन संहिता एक पूरी बोली है इस बाबा के सामने, जो कि आप जानते हैं अगर आप मसीह में हैं तो वो बाइबल का वचन है, पूरा वचन इस बाबा के सामने इस लड़की ने बोला है, जो कि मुझे उस वीडियो के कमेंट में बताया गया था, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो नहीं आया था। तो अब मैं आपके लिए वो वीडियो निकाल करके लेकर के आया हूँ। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि परमेश्वर के दास बिशप विजय मानवल जी कब बिहार में वापस आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बिहार में एक चंगाई सभा होने के लिए जा रही है। 6 जून को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये चंगाई सभा पटना में होगी। अगर आप इस वीडियो को पटना के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो जरूर आप इस चंगाई सभा में आए दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, सालों साल पुराने जादू टोने आपके ऊपर से खत्म होंगे, तरह तरह की बीमारियों के लिए यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। चाहे आपको कैसी बीमारी हो, कैसा रोग हो, चाहे आपके पास बच्चा ना हो, आप आ सकते हैं यहाँ पर। ये चंगाई सभा पटना कुर्जी में होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। तो आप जरूर आए इस चंगाई सभा में, आप भी आए और अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया दोस्तों, एक लाइक तो इस लड़की के लिए बनता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि भजन संहिता एक मुझे भी याद नहीं है जितनी इस लड़की को याद थी। ये बहुत जबरदस्त बात है दोस्तों। जो ये लड़की अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसकी उम्र आप समझिए कितनी होगी, 17-18 साल, क्या पता इससे भी कम हो, 16-17 साल के नियर अबाउट ये लड़की लगती है देखने से। और चर्च में जाकर के इसने जब वचन वहां पर सुने और किस तरीके से इसने भजन संहिता एक को बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, बाबा के जोर देने पर इसने बोल करके दिखा दिया, बाबा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आगे मैं आपको इसलिए मैंने वीडियो नहीं दिखाया दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, वीडियो किसी और का है, इसलिए हम ज्यादा अपने चैनल से नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन बाबा जो है इस वचन को बोलने के बाद जब लड़की चुप होती है तो उसको बोलता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। लड़की बताती है कि बुरे लोगों से हमें बचना चाहिए, बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। तो ये बाबा उसको किस तरीके से घुमाता है मैं आपको बताता हूँ। बाबा का ये बोलना है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो गायें काट करके खाते हैं, इसीलिए बुरे वो हुए। जिसको हम माता मानते हैं उसको वो काट कर खाते हैं, इसलिए बुरे वो हुए। आप खुद देखिए दोस्तों उस लड़की को किस तरीके से बाबा घुमा रहा है, उसके माइंड को वॉश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बाबा के पास कोई और रास्ता है ही नहीं कि अपनी बात को उस लड़की के आगे जस्टिफाई कर दे, अपनी बात को सही ठहरा दे, इसीलिए ये गायें वाला मुद्दा उठा लेता है। लेकिन मैं इस बाबा को एक्सपोज करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हिंदू धर्म के अंदर ही तरह तरह के लोग हैं जो कि बलियां देते हैं। आप जानते हैं वाल्मीकि समाज है, वो भी सुअर की बलि देते हैं। बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर यूपी के अंदर जहाँ पर बलियां दी जाती हैं बकरों की, मुर्गों की। तो ये बाबा उनके बारे में क्या कहेगा कि वो हिंदू धर्म के अंदर ही नहीं आते हैं? क्या ये बाबा इस बात को बोल सकता है? कभी भी नहीं बोलेगा दोस्तों। अगर अब इस बाबा से ये बात पूछी जाए कि आखिर अगर हिंदू धर्म में बलि देना ठीक नहीं है और तुम जो जानवरों को काटते हैं उनको अगर तुम गलत मानते हो, गलत बोलते हो, तो उन लोगों को क्या बोलोगे जो उस मंदिर के अंदर बकरे चढ़ाते हैं, मुर्गे चढ़ाते हैं, तरह तरह की बलियां देते हैं? ये कोई मैं अपनी तरफ से दोस्तों आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये सचमुच में फैक्ट है कि ऐसा ये लोग करते हैं, बहुत सारे हिंदू करते हैं। हमें उनसे कोई भी घृणा नहीं है, ना ही हम उनको गलत बोल रहे हैं,
उनकी जैसी मान्यता है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बाबा ये बोलता है कि जानवरों को काटने वाले गलत हैं, तो फिर ऐसे मंदिरों को भी इसको बंद कराना चाहिए, उसके खिलाफ इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ उसको बोलना चाहिए जो हिंदू होने के बावजूद भी बलियां चढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पर जो हिंदू हैं बहुत बड़ी पॉपुलेशन दोस्तों जो है वो मांस मछली खाती है। आप खुद जानते हैं, आप अगर प्रभु में अन्य जातियों से आए हैं तो आपको पता होगा जब आप अन्य जाति थे तब भी आप मांस मछली खाते होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इसका धर्म इसको बताता है कि गलत है, ठीक है, ये अपनी शिक्षा ये बाबा सबको दे रहा है, ठीक है, जो भी है, लेकिन हमें जब इस बात की आज्ञा मिली है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, तो हमारे लिए वो अधर्म कैसे हो गया? बाइबल के हिसाब से दोस्तों अधर्म ये नहीं होता है कि आप कुछ गलत खा लें, आप जानवरों को मार दें, बल्कि अधर्म तो ये होता है जो हम गालियां देते हैं, जो हम व्यभिचार करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, जो हमारे मन के अंदर चोरी होती है, हम दूसरों की कोई भी चीज का लोभ करते हैं, चोरी करते हैं, किसी के साथ फालतू में लड़ाई झगड़े करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, ये सब चीजें पाप के उसमें आती हैं। और जो भजन संहिता इस लड़की ने पढ़ी उसमें भी परमेश्वर यही बोल रहे हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, जो कि व्यभिचार करते हैं, तरह तरह की गालियां देते हैं, तरह तरह के ढोंग करते हैं, तरह तरह के गलत कामों को करते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई गाली गलौज धोखेबाजी ये सब काम जो करते हैं, उनका मार्ग वो उन लोगों से अलग करेगा जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपनी पापों की क्षमा को पा लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी किसी भी देवी देवता ने इस बात को नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगी या माफ कर दूंगा, बल्कि यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो सत्य भी है, वो मार्ग भी है, और वो ही हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके पाप माफ हो जाते हैं, चाहे उसने कितने भी बुरे पाप किए हों, और जब वो माफ हो जाते हैं तो वो धर्मियों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस वचन में भी परमेश्वर इसी बात को बोल रहा है, जो धर्मी है उसके साथ अधर्मी नहीं रह सकता, इसलिए अधर्मियों को वो भूसी के समान उड़ाने के लिए बोलता है अपने इस वचन के अंदर। और जो यहोवा के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, क्योंकि उस पेड़ के पत्ते कभी मुरझा नहीं सकते। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप भी वो पेड़ बन सकते हैं। यदि आज आप विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो जिंदा है और आपके पापों को माफ करता है, आप सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करने से ही स्वर्ग जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर दें, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।